नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए आज दूसरे चरण की वोटिंग भी शाम 5 बजे खत्म हो गई। चुनाव के इस फेज में 14 जिलों की 93 सीटों के लिए सोमवार सुबह 8 बजे मतदान शुरू हुआ था। ताजा आंकड़ों के अनुसार 64.39% वोट पड़े। हालांकि अभी फाइनल प्रतिशत आना बाकी है। औसत की बात करें तो सबसे ज़्यादा 70.90% मतदान साबरकांठा में और सबसे कम 55.21% मतदान अहमदाबाद में दर्ज किया गया। दूसरे फेज में 833 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। फर्स्ट फेज की तरह सेकेंड फेज में भी शहरों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में वोटिंग का प्रतिशत ज्यादा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा मतदान के लिए व्हीलचेयर से पोलिंग बूथ तक पहुंची। 80 वर्ष से ज्यादा और अस्वस्थ सीनियर सिटीजन्स के लिए घर से ही मतदान करने की सुविधा दी गई थी। इसके बावजूद 100 की हो चुकी हीराबा खुद बूथ तक पहुंची और मतदान कर उन लोगों को संदेश दिया जो आलस के चलते मतदान करने नहीं जाते। बूथ में पीएम ने अपनी बारी का इंतजार किया। पीएम मोदी ने अहमदाबाद के ड्रारनीप इलाके में बने पोलिंग बूथ में मतदान किया। पीएम जब मतदान करने राणी पहुंचे तो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। वहीं पोलिंग बूथ में मतपेटी के पास एक महिला खड़ी थी तो उन्होंने अपनी बारी का इंतजार भी किया। वोटिंग के बाद पीएम ने बाहर आकर स्याही का निशाना भी दिखाया। इस दौरान चारों तरफ मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।